नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में गन्ने के खेत में एक अज्ञात युवक घायल अवस्था में मिला, जिसे जब इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि युवक को हत्या के इरादे से यहां फेंका गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला कोतवाली शाहबाद के शाहजहांपुर के बॉर्डर खुमारीपुर पुलिया के पास का है। यहां पे एक अज्ञात युवक को गन्ने के खेत में गंभीर घायल अवस्था में गांव वालों ने देखा, जिसकी सूचना 108 एम्बुलेंस को दी गई। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने अज्ञात घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात युवक का शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी का कहना है कि अभी शाहबाद थाने से सूचना प्राप्त हुई है। शाहजहांपुर बॉर्डर के पास थोड़ा हटकर एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा मिला था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल लाते वक्त उसकी मौत हो गई। व्यक्ति अभी भी अज्ञात है, जिसका अभी नाम पता नहीं चल पाया है। उसका नाम पता करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिक तौर पर देखकर ऐसा लग रहा है कि उसको मारपीट करके घायल अवस्था में छोड़ा गया है और उसकी मौत चोटों की वजह से हुई है। एक पेशेंट आया जो कि वो ब्रॉडेड था, उसका परीक्षण करने पे उसका ब्लड प्रेशर पल्स नील था। फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस इंफॉर्मेशन भेज दी। पुलिस वहाँ से थाने से यहाँ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पे आई, उसका पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। अभी शाहबाद थाना क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि शाहजहांपुर बॉर्डर के पास थोड़ा आगे एक व्यक्ति घायल अवस्था में वहाँ पड़ा मिला था। उसको सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और उसको जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ लाते लाते उसकी मृत्यु हो गई। व्यक्ति अभी अज्ञात है, उसका नाम पता नहीं पता चल पाया है और उसका नाम पता करके अभी मुझे कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिक तौर पर क्या लगता है? प्राथमिक तौर पर देख के ऐसा लग रहा है कि उसको मारपीट करके घायल अवस्था में उसको वहाँ छोड़ा गया है और उसकी मृत्यु अपने चोटों की वजह से हुई है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।